नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुलारा अपडेट्स इस चैनल को। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 से 15 सालों में जो है बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एचपी एसएससी और एचपी पीएससी ने जो कंडक्ट करवाए थे, तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं कंडक्टर के और एचपी टैट के, तो इसमें भी जो है आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही नहीं कि ये कंडक्टर और एचपी टैट में ही देखने को मिलेंगे, ये आपको जो है अपकमिंग एचपी एसएससी और एचपी पीएससी जो भी एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाएंगे, तो उसमें आपको जो है ये ज़रूर देखने को जो है मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होने जा रही है, तो इसको आप ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि ये पिछले 10 से 15 सालों में जो है बार बार जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो हैं आपको बताऊँगा मैं आज। तो हम जो है पार्ट वन आज आपको बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी पार्ट टू होगी। तो हम जो है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो क्वेश्चन जो हैं पिछले 10 से 15 सालों में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वेश्चन जो हैं बनते थे, तो वो हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कवर करेंगे सारा। तो चलिए आज की वीडियो का जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? तो ये आप देखते हैं एचपी पीजीटी हिस्ट्री दिसंबर 2016 में जो है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, गुलेर के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इसराइल कहा जाता है? तो ये एचपी पीजीटी मैथ्स 2016 में और आचार्य ज्योतिषाचार्य 2016 में जो है ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर जो है धर्मकोट, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र स्थित है? तो धर्मशाला के किस समीप गांव में जो है मेडिटेशन विपासना केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है धर्मकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है इन्होंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा था, एचपी क्लर्क 2016 में ये पूछा गया था। तो त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित हैं? तो ये सभी को पता होगा, कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो कौन सा राजा था वो? हरिचंद प्रथम, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? तो ये 2016 में जो है पूछा गया है। तो अंतिम राजा तो था वीर सिंह, अंतिम राजा था नूरपुर रियासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? तो ये जेबीटी 2010 में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा था ये। तो बड़ा बंगाल जो है ये कांगड़ा जिले में स्थित है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? तो शाहजहां ने नूरपुर किस राजा को भेजा था? तो ये भेजा था जगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? तो नूरपुर के जो राजा थे उनके वंशज का क्या नाम जो था, तो उन्होंने जो है पठानिया उनका नाम था, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो है वीर सिंह। तो जो कैंडिडेट्स जो हैं अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये रिवीजन हो जाएगी, और जो तैयारी करना स्टार्ट करने लगे हैं तो उनके लिए जो है ये स्टार्टअप जो है
मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न जो है HPSSC और HPPSC जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप जरूर जो है इन प्रश्न को जो है रट लें और ये अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आपको जो है देखने को जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन जो है, कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है? तो आप ये ध्यान रखें कि प्रश्न में जो है ये पूछे जाते हैं ऐसा नहीं शब्द जो है ये यूज़ करते हैं, तो इस में ही जो है कई कैंडिडेट्स जो हैं आंसर को जो है गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान से आप जो है प्रश्न को पढ़ें। तो इन्होंने पूछा है कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है, तो हमीर चंद जो है ये गुलेर रियासत का शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगर्त के सुख्यात घराने के लिए मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरीग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था। तो इसका राइट आंसर जो है हृदयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है इन्होंने दो बार पूछा है दो एग्ज़ाम में, 2015 में भी ये प्रश्न पूछा है और 2016 में भी जो है इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और इन्होंने क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के जो है ये पूछा है। तो ये 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है वो आप देख सकते हैं। त्रिगर्त के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद से किया जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था? तो आप जो है देख सकते हैं कैसे जो है प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो इन्होंने जो इसका राइट आंसर है हृदयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली, सबसे पहली निकलने वाली शाखा कौन सी थी? तो सबसे पहले निकलने वाली शाखा जो थी वो जसवा शाखा थी। तो ये 2015 में पूछा गया है। कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है कुटलेहड़, सबसे छोटी जो है राइट रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो ये गुलेर रियासत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? तो कन्हारा के राजा ने जो है अपनी बहू की बलि दी जो कि पानी का मार्ग खोलने के लिए जो है उसे ऐसा करना पड़ा। तो ये HP अलाइड सर्विसेज 2015 में जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था? तो कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? तो ये नवाब अली खान जो है कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था। ये HP मेडिकल टेट 2014 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे प्रश्न जो है हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं और आगे भी जो है ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है 2015 में, कनिंगम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? तो ये आती है रियासत जो रावी और सतलुज के बीच है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? तो कांगड़ा के कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? तो गुलेर, सिब्बा, जसबा, इन रियासत के जो थे ये सूर्यवंशी राजा नहीं थे। तो इनका जो राइट आंसर होगा ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठे थे? तो ये HP प्रिंसिपल ITI 2015 में जो है ये एग्ज़ाम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है त्रिलोकचंद, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुलेर रियासत की राजधानी थी? तो ऐसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं एचपी एपीआरओ 2015 में पूछा गया है कि गुलेर रियासत की राजधानी कौन थी। तो ये राजधानी थी हरिपुर। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हचिसन और बोगल निम्नलिखित में से किसे मुहम्मद रियासत मानते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ये शाहपुर। बी राइट आंसर है। ये अलाइड सर्विसेज 2015 में जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 24th क्वेश्चन जो है, उस गद्दण का क्या नाम था जिसे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? तो एचपी नायब तहसीलदार में जो है पूछा गया है प्री एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे पूछा जा सकता है। तो उस गद्दण का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा जो संसार चंद को जो है प्यार हो गया था? तो उसका नाम था नोखू। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सिब्बा और दतारपुर। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा रियासत का जो है अंतिम राजा कौन था। तो ये अनिरुद्ध चंद जो था ये कांगड़ा का अंतिम राजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है भूमाचंद को माना जाता है। ये एचपी क्लर्क 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी ने दी गई थी? तो आर्मी में जो है ब्रिटिश आर्मी में किस कांगड़ा के किस वंशज को जो है मेजर की उपाधि दी थी 1888 में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल 2015 में पूछा गया है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो आने वाला है लेक्चरर के, तो उसमें भी जो है ये पूछा जा सकता है क्योंकि लेक्चरर की पोस्टें जो है निकाली गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जयचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने में कामयाब रहा था क्योंकि उसने अपने परिवार की दो राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का मंत्री के परिवार के साथ किया था? तो कौन सी किस रियासत की जो रानियां थी, तो वो थी सिब्बा रियासत की। तो इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 में धर्मचंद नाटक लिखा कौन था? तो उसका राइट आंसर जो है माणिक चंद। तो ये थी एचपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 10 से 15 सालों में जो है बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे कंडक्टर एचपी टेट लेक्चरर, तो उसमें जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एचपी जीके के आज हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा जो है पार्ट 1 था। तो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, तो वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी प्रश्न जो बच गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे उसमें, क्योंकि पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको प्रश्न बताएंगे कि जो पिछले सालों में जो पूछे जा रहे हैं बार बार, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इजीली जो है आपको कैच करने के लिए जो है ठीक रहेगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि एचपी टेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप रट लें इनको और आपका जो है एग्ज़ाम भी क्लियर हो पाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।